जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने लगे हैं जी लाहौरी ग्रीन चिकन। बहुत आसान और बहुत मज़ेदार बनता है, सिंपल सी रेसिपी है। वीडियो को पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। ये मैंने हाफ कप घी लिए, आप चाहें तो ऑयल में बना सकते हैं। इसमें जाएंगे ये 3 अदद लौंग, 1/2 टीस्पून ज़ीरा और 4 से 5 अदद काली मिर्च के दाने। इन्हें अच्छी तरह करेंगे। जैसे ही ज़ीरा चटकेगा, ये अब इसमें जाएगा, ये 1 टेबल स्पून के करीब है अदरक और लहसुन का पेस्ट। इससे हल्का सा भूनना ताकि इसकी ऑफ स्मेल जो है वो निकल जाए। साथ ही इसमें जाएगा, ये मेरे पास 1/2 किलो चिकन है, ये इसमें शामिल कर देंगे। फ्लेम हमने लो रखनी है, ये ध्यान में रखिए। तेज फ्लेम पे नहीं बनाओ, लो टू मीडियम। साथ ही इसमें ये बिल्कुल थोड़ी सी ये सरफ मिर्च का पाउडर तकरीबन 1/3 टीस्पून और ये 1/4 टीस्पून ही हल्दी, ये भी साथ में शामिल कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फ्लेम करेंगे बिल्कुल लो। ये मेरे पास दही 1/2 कप, ये अच्छी तरह फेंट के मीठा भी कर लेंगे। दोबारा से अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये जेन में रखिए, हमने अभी तक नमक इसमें शामिल नहीं किया। अब इसे इसी लो फ्लेम पे, जैसे हम दम वाली फ्लेम भी कर सकते हैं, इसे कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट हो गए। अब हम फ्लेम करेंगे थोड़ी सी तेज। और ये मेरे पास हरी चटनी है, जिसमें धनिया, पुदीना और हरी मिर्च, 1 कप हरा धनिया, 1 कप पुदीना, 5 से 6 अदद हरी मिर्चें। अगर तीखी वाली हैं तो 3 से 4 लेंगे, अगर कम तीखी हैं तो आप 5 से 6 लग सकते हैं। इसके मैं ये 1 और ये 2 और ये 2.5 टेबल स्पून ये मैं ले रहा हूँ। दोबारा से अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसे दोबारा 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे। ये तकरीबन 3 मिनट हो गए। अब इसमें जाएगा ये काली मिर्च का पाउडर, ये तकरीबन 1/5 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम रखेंगे। ये सफ़ेद मिर्च का पाउडर, ये भी तकरीबन 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम। और ये मेरे पास नमक है, ये 1/2 टीस्पून, ये आप अपने जायके के हिसाब से ले सकते हैं। दोबारा से अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इसमें जाएगी ये क्रीम है मेरे पास, ये 1, 2 और ये 3 टेबल स्पून। दोबारा से इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन हो गया तैयार। इसे अब हम डिश आउट करेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लाहौरी ग्रीन चिकन हो गया तैयार। इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।